टीम रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हादसे मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दें। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ टीआरएस की जानिब से मुनक़िदा माह धरना कामयाब। हर मंडल में किसानों का मजबूत रद्द अमल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन, रुकन राज्य के सुरेश रेड्डी व रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की क्यादत में निजामाबाद वेलपुर में किया गया जोरदार एहतजाज मुनासिब। पंजाब में धान खरीदी तो तेलंगाना में क्यों नहीं, मरकजी हुकूमत अपना दोगला रुख खत्म करे। आरमूर में पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की जानिब से किया गया वाइस चांसलर रविंदर का तहनीती तकरीब का इनेकार। शहर निजामाबाद में दिन दहाड़े चोरियों में इजाफा। शहर के इलाके गौतम नगर में हुई आज दोपहर चोरी, चोर सोना व रकम लेकर वे फरार। शान रिसालत में गुस्ताखी व त्रिपुरा फसादात के खिलाफ रजा एकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र बंद कामयाब व नांदेड़ में निकाली गई बड़े पैमाने पर रैली। गोधन में रुकन असम्बली शकील आमिर की क्यादत में मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जोरदार एहतजाज का इनेकार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत की जानिब से एक बार कीमतों में इजाफा। किसान मुखालिफ खवानीन के खिलाफ जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर एमएलए टीआरएस की जानिब से एहतजाज मुनाजिम। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन व एमपी सुदर्शन रेड्डी के एहतजाज में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत के झूठ से अवाम को करवाया वाकिफ। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता व रूरल एमएलए टीएस आरटीसी चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन की सदारत और टीआरएस पार्टी के जेर निगरानी में धान की खरीदारी के सिलसिले में मरकज के रवैये के खिलाफ वेलपुर एक्स रोड मुनक़िदा रायतू महाधरना प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खसूसी के तौर पर रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी व राज्यसभा मेंबर के सुरेश रेड्डी ने शिरकत की। इसी रायतू महाधरना प्रोग्राम से अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा की तहरीक बानी चीफ मिनिस्टर के सीआर के ऐलान पर मरकजी हुकूमत किसानों की जानिब से बोए गए फसल की हर बीज को मरकज खरीदी ना करे तो रियासती सतह पर रैतू महाधरना प्रोग्राम मुनाकिद करने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना को हासिल करने के तहत मुतहदा आंध्र प्रदेश रियासत में तकरीबन 100 मरतबा धरना चौक पर दीगर अनोखे प्रोग्राम को मुनाकिद करने की याद दहानी करवाते हुए कहा की टीआरएस पार्टी के लिए तहरीक कोई नई बात नहीं है क्योंकि तहरीक के कायद हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर होने का इजहार किया। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क्यादत में किसानों को मुख्तलिफ तरक्याती फलाई स्कीम के तहत फवायद पहुँचाते हुए किसानों को रायतू बंधु रायतू बीमा यूरिया 24 घंटे मुफ्त बरखे के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए जखायरा रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएलसी वीजी गौड़, शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस सलीम, जेडपीटीसी मेमरान बाजवे जगन, साबिक एमएलसी नरसर रेड्डी, साबिक अमीर आकुला सुजाता, स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, टीआरएस कायद मुरली रामलू व दीगर मौजूद थे। इंसूरेंस कार्यक्रम चलना बीमा कार्यक्रम रूपये द्वारा अंदर ग्राम अकरम भूमि ఉంటే
మన ప్రభుత్వం దానికి కారణం ఒకటే, అరే కేంద్రము మరి వడ్డీ తీసుకోమంటుంది ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ వడ్డీ కూడా తీసుకోమంటారు వాళ్ళు, పచ్చకాలం పండే పంట కూడా మేము తీసుకోము ఎట్లా అంటే వేసవి పంట మేము వేయము మేము కొనుగోలు చేయము అని రాజిస్తేనే ఈ పంట కొట్టమంటారు వాళ్ళు. బలవంతంగా సంతకం తీసుకొని సంతకం తీసుకొని ఆ సంతకం పెట్టిన తర్వాత డ్యారీ ఇచ్చినాక సంతకం పెట్టిన తర్వాతనే ఈ వడ్డీ కొనుగోలు. ఎకరాలు వ్యవసాయం వచ్చింది, ఆ రోజు 2 కోట్ల టన్ల పంట పండితే ఇప్పుడు 4 కోట్ల టన్ల పంట పండుతున్నది, ఆ రోజు 20 లక్షల పంట అమ్మితే ఈ రోజు 1 లక్ష కోట్ల పంట తెలంగాణ రైతులు అమ్ముతున్నారనే విషయాన్ని వాళ్లకు కొంచెం చెవులు నిండే విధంగా కళ్ళు తెరిచే విధంగా మన ప్రియతమ నేత కేసీఆర్ గారు వారికి అవగాహన చేసి కాపాడుకునే బాధ్యత మీపై. గ్రామంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకుల మెడలు వంచాలి, ఒత్తిడి తేవాలి, వాళ్ళని వాళ్ళని పండి సంజయ్ దగ్గరికి పంపించాలి, బీజేపీ వాళ్ళని పంపించి 2 ఆర్డర్ కాపీలు మనం తీసుకొచ్చేంత మటుకు మన పోరాటం ఆపద్దు అని చెప్పి మీ అందరికి నేను మనవి చేసుకుంటూ మరొకసారి ఇంత ఎండలో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన నా రైతులందరూ కూడా పేరు పేరున నా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కిసాన్. रियासती वजीर इमारत शोला विमला परेशान रेड्डी की हरकियाती खदमात से मुतासर होकर मोरताल मंडल मौजे सुनकेट से ताल्लुक रखने वाले विश्रा ब्राह्मणा संगम के मेम्बरान व कुमारी संगम के मेम्बरान टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क्यादत और रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मोरताल मंडल सुनकेट देहात से ताल्लुक रखने वाले ब्राह्मणा संगम के मेम्बरान कुमारी संगम के मेम्बरान ने मुकामी सरपंच श्रीनिवास मोरताल मंडल के ZPTC बदम रवि नैब सरपंच पृथ्वी के जेरे निगरानी में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल करते हुए कहा कि TRS हुकूमत के दौर इख्तदार में कई फलाह स्कीम को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाकर तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फैजयाब करने के बिना पर अवाम मुतासर होकर TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का इजहार किया. मरकजी हुकूमत फिलफुर किसान से मुतालिक धान की खरीदी न करने की सूरत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का महाज खोलकर रियासती सतह पर एहतजाजी धरना मुनाकिद करने का रुकन असेंबली बोधन शेख आमिर ने किया इजहार. बोधन रुकन असेंबली शेख आमिर ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ किसान की मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ धरना मुनजिम करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना से वाबस्ता बीजेपी कायदीन व अवामी नुमाइंदे मरकज से धान खरीदारी के मुतालिक सवाल न करके किसानों को गुमराह करने की हरकत से गुरेज करने का इंतबाह एहतजाजी धरना और कहा कि तेलंगाना मुखालिफ पॉलिसियों पर मरकज के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनाकिद करने के लिए TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का महज खोलने का इजहार किया और इन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत बनावटी बातों का सहारा न लेकर किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करके खरीदने के लिए कहते हुए बताया कि मरकज की क्यादत वाली बीजेपी हुकूमत दोहरे मियार में मुलविस है, जबकि मरकज पंजाब रियासत से 100% धान खरीदा जाता है और हमारी रियासत तेलंगाना से धान खरीदी करने पर इनकार किया जाता है. और इसी तरह से बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने कहा कि निजामाबाद रुकने पाल DRV ने कहा कि साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता साहिबा की जानिब से किए गए तरक्याती काम नजर आ रहे हैं, लेकिन मौजूद रुकने पार्लियामेंट DRV की जानिब से तरक्याती काम मुकामी ना होने के बराबर है. अभी मौका है कि मुकामी अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करके फौरी तौर पर मरकज से फंड्स मंजूर करवाने की ख्वाहिश की. ఎటువంటి ఎంపీని మనం గెలిపించుకున్నారు ప్రజలు ఒకసారి గమనించాలా, ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాడు వాడు, ఆయన వాడే భాష అంటే మన తెలంగాణలో కూడా సిగ్గు చేటు తెచ్చుకొచ్చే విధంగా ఈరోజు ఆ భాష మాట్లాడుతున్న అరవింద్ గారికి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, ఇంకోసారి కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడినావో నీ నాలిక కోసేసి చెప్పు తీసుకొని నిలదీస్తామని నేను చెప్తా ఉన్నా. నువ్వు చెప్పిన పని ఈ రోజు
పసుపు రైతులకు మోసం చేసి మళ్ళా వారికి గిట్టుబాట ధర తీసుకొస్తామని మోసం చేసి బాండ్ పేపర్ రాసి ఇచ్చి మోసం చేసిన వ్యక్తులు पंजाब में धान खरीदी तो तेलंगाना में क्यों नहीं। मरकजी हुकूमत अपना दोगला रोग खत्म करे। आर्मूर में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर अंबेडकर चौराहे पर रुकने संभली आर्मूर व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जेर क्यादत केसीआर रियासती वजीर आला की हिदायत पर मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनक्कद किया गया। इस धरना प्रोग्राम में रियासती चेयरमैन मार्कफेड मारा गंगा रेड्डी, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, डॉक्टर मधुशेखर, LMB राजेश्वर, रियासती खायत के नरसिम्हा नायडू, समीर अहमद, जिले एक्टिव लीडर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने संभली आर्मर जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए तरक्याती इकदाम किए जा रहे। रायतु बंधु स्कीम, इंश्योरेंस पॉलिसी और किसानों की कई स्कीम का तस्करा किया और आगे बताया कि मरकजी हुकूमत किसानों के साथ मुकम्मल नाइंसाफी कर रही है, इनके खिलाफ गलत कानून बनाए जा रहे हैं। इन्होंने मरकजी हुकूमत को किसान मुखालिफ हुकूमत करार दिया। इन्होंने मरकजी BJP हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के उगाए हुए चावल की फसल धान को खरीदे, वरना किसान BJP कायदीन तेलंगाना में कदम रखने नहीं देंगे। और रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद DR Vin और रियासती सदर BJP बंडी संजय को आड़े हाथ लेते हुए इनके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल के। इस मौके पर रियासती मार्कफेड चेयरमैन LMB राजेश्वर, समीर अहमद, डॉक्टर मधुशेखर के नरसिम्हा नायडू व दीगर ने इस एहतजाजी धरने से मुखातिब करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर सैकड़ों किसानों के अलावा वकला, माइनॉरिटी कायदीन व दीगर मौजूद थे। వాళ్ళు మోటార్లకు మీటర్లు పెడతారు, మనమేం చేద్దాం? కేంద్ర ప్రభుత్వానికే మీటర్లు పెట్టేద్దాం, మళ్ళీ రాకుండా అవుతారు కేంద్రం. 100% ఏదైతే పంజాబ్లో ఉన్నారు ఇక్కడ కొనాలని, వ్యాసంగిలో కూడా వడ్లు మొత్తం పెడతాం, వడ్లు కొనాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ. బ్రెయిన్ లో కూడా దిమాగ్ లేదు, బ్రెయిన్ లెస్ ఎంపీ, ఎయిర్ లెస్ ఎంపీ కాదు ఆయన, బేర్ లెస్ ఎంపీ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఆయన సూటిగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్న ప్రకారం 1,37,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల వరి ఉత్పత్తి జరిగింది అని అధికారులు ఇస్తా ఉంటే, వీరు మాట్లాడతారు తొండి పంచాలు పెట్టడానికి 1,37,00,000 యాడున్నాయి మాకు చూపిస్తారా అని చెప్పారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు 1,02,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు మీకు కళ్ళు కనబడకపోతే, కళ్ళు లేని కబోదాలుగా ఉంటే మా దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు 6 హెలికాప్టర్లు పెడతా, నీ మోడీ గారిని అమిత్షా గారిని తీసుకోర్రా, బండి సంజయ్ని గుండరవిందు నేను దింపుతా అని చెప్పాను. నీకు దమ్ముంటే రండి, హెలికాప్టర్లు పెట్టి దింపుతాం. దీనికి కర్త కర్మ క్రియ కేసీఆర్ గారంటే కాలువలు చెరువులు రిజర్వాయర్స్ అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. సమైక్య రాష్ట్రంలో కేవలం 3,673 కోట్లు. रियासती वजीर इमारत शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की क्यादत में वेलपुर एक्स रोड पर मुनाकिदा रायतु धरना प्रोग्राम को किसानों की भरपूर ताईद हासिल हुई। रियासती वजीर इमारत शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की क्यादत में वेलपुर एक्स रोड पर मुनाकिदा रायतु महाधरना प्रोग्राम में किसानों ने भरपूर हिमायत की। इस मौके पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि धान के जखीरे के सिलसिले में मरकज की लापरवाही व नामुनासिब रवैया व बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत एक तरफ पंचायत से 100% धान खरीद कर रियासत तेलंगाना के धान की खरीदी करने से गुरेज करने की बिना पर दोहरे मियार आयद करने का इल्जाम आयद और कहा कि मरकजी हुकूमत फिलफुर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए धान के जखीरे को खरीदने का मुतालबा किया। जरगबोये अदानी गारु रच्चुडु कायम मन पंटनी तुट्टिकि अम्मुकुने अवसरं रावडं कूडा कायमे, अप्पुडु एडिसिना लाभं लेदु। नेनु बीजेपी रैतन्नलकु बीजेपीलो उन्नटुवंटि रैतुलकु नेनु विज्ञप्ति चेस्ता उन्ना, मी नायकुडु बंडि संजय गारु ओत्तिडि तीसुकुरंडि सार्, मीरु तीसुकुरंडि लेटर्, మేము ఎట్లే వరి ఎట్లే మేము ప్రశాంత్ రెడ్డిని గల్లా పట్టి అడుగుతామని చెప్పి మీ సంజయ్ అడగండి, మీరు లెటర్ తీసుకురండి, నేనే వరి ఇస్తా. దయచేసి ఆలోచన చేస్తారా? ఆర్డర్ తీసుకొస్తే నీ బాధ్యత నెరవేర్చినట్టు, ఆర్డర్ తీసుకురాకపోతే తెలంగాణపై ఉన్న కక్ష, లేకుంటే తెలంగాణపై ఉన్న ఏదైతే మీ నిర్లక్ష్యం, తెలంగాణ వ్యతిరేక ధోరణి బీజేపీకి స్పష్టమవుతుందనే విషయాన్ని ఈ సభ ద్వారా మనం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. మిత్రులారా,
బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమన్నారు? ఐదేళ్లలో రైతు ఆదాయం డబుల్ చేస్తాను. నీకు ఆదాయం 10,000 ఉంటే దాన్ని 20,000 చేసేస్తాం, ఐదేళ్ళు మాకు టైం ఏంటి అన్నారు. ఆదాయం డబుల్ ఏమో కానీ ఇప్పుడు పంటను సగంకు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న చర్య. समाजी खिदमत गुजार कांग्रेस कायद मोहम्मद रब्बानी इनकी खिदमत से मुतासर होकर कांग्रेस आला कायदीन की हिदायत पर मोहम्मद रब्बानी सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नामजद इन्होंने किया कांग्रेस आला कायदीन से इजहार तशक्कुर। शहर निजामाबाद के अरकियाती कांग्रेस कायद मोहम्मद रब्बानी जो गुज़िश्ता कई सालों से बेलूस अंदाज में कांग्रेस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनकी क़यादत में अभी तक कई नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत हासिल की है और इनकी नुमाइंदगी पर कई गुरबा को इंसाफ मिला है और इन्हीं की कारकर्दगी से मुतासर होकर साबिक MP व कांग्रेस रियासती प्रचार कमेटी मधुगौड़ याचिकी व PCC वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हिदायत पर इन्हें साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की मौजूदगी में सिटी कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया जिस पर इन्होंने इनसे इजहार तशक्कुर किया। वो इनके हमराह अथर अली अफान बिन अब्दुल्ला शेख गौस को मुख्तलिफ ओहदों से नवाजा गया और इनकी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया गया। इस तकरीब में कांग्रेस कायद गड़गू गंगाधर सिटी सदर केशव वेणु प्रचार कमेटी सदर जावेद अकराम अबूद बिन हमदान रियासती अखलती सेल मोतमेद उबैद बिन हमदान व दीगर मौजूद। शान रिसालत में गुस्ताखी व त्रिपुरा फसादात के खिलाफ रजा अकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र बंद कामयाब व नांदेड़ में निकाली गई बड़े पैमाने पर रैली। दिन ब दिन इस्लाम मुखालिफ वाकयात के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे व शान रिसालत में वसीम रजवी की जानिब से मुसलसल गुस्ताखी करने व त्रिपुरा में मुसलमानों पर किए जा रहे एक तरफा फसादात के खिलाफ आज रिजा एकेडमी की जानिब से ऐलान करदा बंद को अवाम ने कामयाब बनाया। वो इसी तरह महाराष्ट्र में अवाम की जानिब से रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए हुकूमत के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार किया और इसी तरह के वाकयात पर हुकूमत की जानिब से अज खुद मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का अवाम ने मुतालबा किया। इसी तरह नांदेड़ देगलू नाका व दीगर मुकामात पर जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए दी गई नुमाइंदगी। जमीतुल महिंद जिले मेदक के सदर के हैसियत से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मुजाहरी जनरल सेक्रेटरी के लिए मौलवी हाफिज शेख मोहम्मद नदीम का इंतखाब। मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीतुलमा कामरेडी की तला के मुताबिक मस्जिद खुवतुल सलाम मेदक में जमीतुलमा हिंद जिले मेदक के जिले इंतखाबी इजलास में जमीतुलमा हिंद सुबह तेलंगाना व आंध्रा से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद मेदक पहुंचा। इस इजलास में जिले मेदक के मुफ्ती मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मुजाहरी साहब मदद जिला उलाला सदर हाफिज शेख मोहम्मद नदीम मिनहाजी साहब जनरल सेक्रेटरी और मौलाना मुफ्ती साबिर अली कासमी हाफिज सैयद जलील मिनहाजी नायबीन सदूर सेक्रेटरी साहब जाबर अली जनाब रियाजुद्दीन साहब और खाजिन जनाब अब्दुल रऊफ साहब प्रेस सेक्रेटरी के लिए जनाब सैयद इनायत अली साहब का इंतखाब अमल में आया। हाफिज मोहम्मद यूसुफ अलीमी अनवर नायब सदर जमीतुलमा कामरेडी ने मुबसर के हैसियत से इंतखाब करवाया और बताया कि हर दौर और हर जमाने में जमीतुलमा की क़यादत मुतहरिक व फ़ाल क़ायदीन के हाथों में सौंपी गई, इसीलिए ये इंतखाब भी ऐसा ही है क्योंकि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मुजारी साहब मददुल्ला उलाला एक बासलाहियत मुतहरिक और फाज शख्सियत के मालिक है और हम दुआगो है कि आपका दौरे सदारत कौम व मिलत की फलाह व बहबूद के लिए जरीन अहद साबित हो। इंतखाबात से कबल हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर साहब खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीतुलमा तेलंगाना व आंध्रा ने जमीतुलमा की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि जमीतुलमा हिंद की अकाबिर ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कफन बर्दोश और हथेली पर जान रखकर आज़ादी वतन के लिए काम और आज़ादी के बाद मुल्क के अंदर मुसलमानों की शिनाख्त और तशख़ीस बरकरार रखने के लिए अखलतों के हकूक़ की पासदारी के लिए बिरादरान वतन के साथ रवादारी इंसानी हमदर्दी खैरख्वाही और ज़रूरतों की तकमील का काम किया है। सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि हमारे अकाबिर मदारिस व मकातिब के तहफ़्फ़ुज़ मजलूमों और बेकसों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा कमरबस्ता रहे और मसलक व मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम किया। आज ज़रूरत इस बात की है कि अकाबिर के बनाए हुए उसूल और इनकी रोशन तारीख को सामने रखकर खिदमात अंजाम दी जाए। जमीतुल महिंद और हमारे अकाबिर का मिशन जज्बाती सियासत से हटकर एतदाल के साथ कौमी काम करना है। हिंदू मुस्लिम इतिहाद और दलित मुस्लिम व दीगर कौमों को साथ लेकर हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ाई लड़नी है। दारुल उलूम देवबंद जमीतुलमा हिंद के बगैर मुल्क की तारीख अधूरी जमीतुलमा के निर्मल इंतखाबात के मौके पर अरशद मदनी का बयान। दारुल उलूम देवबंद जमीतुलमा हिंद के बगैर मुल्क की तारीख अधूरी जमीतुलमा अरशद मदनी निर्मल के इंतखाबात के मौके पर मुफ्ती महमूद जुबैर साहब कासमी का खिताब।
10 तारीख बरोज़े चारशुंबा बाद नमाज ईशा जमीतुलमा जिले निर्मल के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आए। इस मौके पर जमीतुलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब खासमी ने कहा कि जमीतुलमा हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की ऐसी नुमाइंदा तंजीम है जिसकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जमीतुलमा जिस जुरत इस्तेखाल के साथ मुल्क व मिलत के मसाइल अखलतों की आईनी को बिला खौफ व खतर हुकूमत के सामने रखती है वो बेमिसाली है। बिलखसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों की दीनी मिली शनाख्त के लिए जहद मुसलसल व तारीख हिंदुस्तान का नुमाया उन्वान है। इन्होंने सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातम सदर जमीतुलमा हिंद की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि इस उम्र में भी हजरत मदनी जिस जुरत व इस्तेखाल के साथ काम करते हैं इससे हम नौजवानों को हौसला मिलता है। इन्होंने दारुलूम देवबंद की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मैंने 4 बरहज़मों में सफर किया, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद अपना फर्ज बहुसन खूबी अदा करते नजर आए। इन्होंने कहा कि मुफ्ती गयासुद्दीन साहब रहमानी दामद बरकातम सदर जमीतुलमा तेलंगाना व आंध्रा की हिदायत पर इंतखाबात की निगरानी के लिए यहाँ आए हैं। इस इजलास में निर्मल भैंसा मधुल खानापुर नरसापुर व दीगर मंडलों से कसीर तादाद में जिम्मेदारान ने शिरकत किया। आइंदा टर्म के लिए बातफाक राय जिले निर्मल की सदारत के लिए मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन खासमी को मुंतखब किया गया। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल खासमी नायब सदर के लिए मौलाना अमजद रशीदी भैंसा खारी अब्दुल हफीज नरसापुर सेक्रेटरी मौलाना कलीमुद्दीन खासमी मदुल मौलवी अरशद खानापुर प्रेस सेक्रेटरी रशीद आलम और खाजन के लिए मुफ्ती अब्दुल हकीम खासमी का इंतखाब अमल में आया। मजलिस का आगाज मौलाना मुबीन खासमी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल खासमी ने जमीतुलमा की कारकर्दगी पर मुख्तसर रोशनी डाली। मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब ने इफ्तिताही खिताब किया। मुफ्ती महमूद जुबैर साहब खासमी की दुआ पर मजलिस इख्तिताम पज़ीर हुई। ने सुना होगा कि सबसे पहले अजान फिजी के अंदर दी जाती है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, सिंगापुर, फिर बांग्लादेश, थाईलैंड, होते होते हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिर दुबई, फिर मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा, फिर आगे अफ्रीका, इजिप्ट, ये होता हुआ फिर अमेरिका। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि इस पूरी दुनिया के अंदर हमेशा अल्लाह का नाम गूंजता रहता है, किसी ना किसी खित्ते के अंदर, किसी ना किसी हिस्से के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं लगती रहती हैं। इसीलिए शायद कहा गया कि जब तक अल्लाह अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा ये दुनिया चलती रहेगी। ये दुनिया की रूह, ये दुनिया की गिजा वो अल्लाह का नाम है। तो उस मुल्क के रहने वाले हैं, 70+ उनकी उम्र है, 72 साल 73 साल उनकी उम्र है। वो मुझसे कहने लगे कि साहब हमारे पास सबसे पहले जिस आदमी ने हमें कलमा सिखाया, नमाज सिखाई, वो जो है आपके मदरसे के पढ़े हुए थे, यानी दारुलूम देवबंद। दारुलूम से मेरी फरागत है, उनको मालूम था कि भाई कहां से पढ़े हुए हैं, दारुलूम से पढ़े हुए। बोले वो दारुलूम देवबंद? बोला जी हाँ दारुलूम देवबंद। तो बोले वो दारुलूम देवबंद के मुंसाबी हमारे को पढ़ाए। 73 साल का बूढ़ा आदमी ये बोलता है कि हमें सबसे पहले कलमा नमाज सिखाने वाला आदमी दारुलूम देवबंद का फारिग था। आप तसव्वुर करें कि 60 साल पहले, आज से 60 साल पहले एक आदमी हमारे मुल्क से सफर करता है, फिजी जाता है और फिजी के लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत का सामान बनता है। मुतहदा जिले निजामबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हाथों बेस्ट बेकरी एंड स्वीट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुतहदा जिले निजामबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर क्याम अमल में लाए गए बेस्ट बेकरी एंड स्वीट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बेकरी के इंतजामिया को पुरखलुस मुबारकबाद पेश की और कहा कि कस्टमर को साफ और शिफाफ खाने की अशिया की फ्राहमी अमल में लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिले रायतुबंधु सदर अंजी रेड्डी, बांसवाड़ा शहर के म्यूनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मंडल पार्टी सदर मोहन नायक, एएमसी सदर बालाकृष्णा श्रीधर, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर, म्यूनिसिपल काउंसलर्स और कारकुनान ने शिरकत की। बालकुंड हल्के मोरतार मंडल के कस्तूरबा स्कूल में मुकामी सरपंच भोगा धरणी आनंद की सदारत में बच्चों के हकूक के मुताबिक शोर बेदारी अमल में लाई गई।
ضلع نظام آباد بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتاڑ میں واقع کستوربہ اسکول میں مقامی سرپنچ بھوگا دھرنی آنند کی صدارت میں بچوں کے حقوق کے متعلق شعور بیداری عمل میں لانے کے علاوہ مورتاڑ کے کستوربہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو طبی ٹیسٹ کرواتے ہوئے مفت ادویات کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ضلع کے اے سی ڈی پی گنہ نیشوری، آئی سی پی ایس ضلع عہدیدار چیتنیا، کستوربہ اسکول کے اساتذہ، صاحبین اور آنگن واڑی کارکنان و طلباء و دیگر نے شرکت کی۔ نیشنل اچیومنٹ సర్వే అనేది ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారము ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు 3, 5, 8, 10 తరగతి విద్యార్థులకి ఈ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది విద్యార్థుల యొక్క సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి نظامباد منڈل کے مقام پر ٹی آر ایس پارٹی کے زیر نگرانی میں مرکزی حکومت کی کسان مخالف پالیسیوں پر منعقدہ دھرنا پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر جکل رکن اسمبلی ہنومان شنڈے نے کی شرکت۔ ضلع کامریڈی جکل رکن اسمبلی ہنومان شنڈے نے دھان کی خریداری کے سلسلے میں مرکز کے رویے کے خلاف نظام ساگر منڈل کے مقام پر ٹی آر ایس پارٹی کے زیر نگرانی منعقدہ دھرنا پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کاشت کے قابل اراضیات کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کا شمار ملک کے دھان پیدا کرنے والی ریاستوں میں ہوتا ہے، لیکن مرکزی حکومت تلنگانہ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کو مشکل میں ڈال رہی ہے۔ مرکزی حکومت زراعت کے سیاہ قوانین کو منظوری دے کر کسانوں کی جانب سے کاشت کردہ پیداوار کو نہیں خریدتے ہوئے کسانوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سابقہ زیڈ پی چیئرپرسن دفیدر راجو منڈل کے ٹی آر ایس قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ అవలంబిస్తున్నటువంటి వైఖరికి నిరసనగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా పండించే వరి ధాన్యాన్ని కొనడంలో నిర్లిప్త మండి వైఖరి అవలంబిస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆశ అయితే ఇసే అప్పుడు బతానే మే కమ్ కరే మార్కెట్ హమ్ నహీ కర్తే సకరే ఇసే బీజేపీ వాలే అప్నే పార్టీ కే బారే మే అప్నే నేతా కే బారే మే అప్నే సీఎం సాహబ్ కే బారే మే అప్నే బారే మే గలత బాత్ కర్కే ఉన్ లోగో కో తో గుమ్రాహ్ కర్కే భ్రమ్ పైదా కర్కే కుచ్ ఉన్కా బెనిఫిట్ దేనే కా కామ్ కర్ రహే ఇస్ తరీకే కామ్ మే హోనా బోల్కో హమ్ సభీ లోగ్ మిల్కే కామ్ కర్నా చాహియే ఔర్ ఉన్కో సబక్ సికానా చాహియే కి తుమ్ జో కర్ రహే పూరా కా పూరా గలత హై హమ్ జో కర్ రహే పూరా కా పూరా సహీ హమారే పాస్ సహీ కా పూరా రికార్డ۔ بھینسہ شہر کے مختلف مدارس میں نیشنل اچیومنٹ سروے کا کامیاب انعقاد، امتحان کا مقصد طلباء کے تعلیمی معیار کی جانچ۔ ہندوستان بھر میں آج 12 نومبر 2021 کو قومی سطح پر نیشنل اچیومنٹ سرویا ٹیسٹ کو حکومت ہند کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ امتحانی مرکز اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول قاضی پورہ بھینسے کے معتمد عزیز خان اسکول اسسٹنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول نے تمام تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ٹیسٹ کا مقصد طلباء کی قابلیتی جانچ و فروغ ہے۔ سابق میں اس طرح کا امتحان 2017 میں منعقد ہوا تھا، اب 2021 میں اس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ طلباء کے معیار تعلیم کی مناسبت سے حصول تعلیم کا فروغ حاصل ہو سکے۔ ممتحن عزیز خان کے مطابق 80% طلباء نے امتحان میں شرکت کی۔ ممتحن عزیز خان کے علاوہ ان کے ہمراہ جادو نویسری فیلڈ انویسٹیگیٹر بھی موجود تھے۔ آج حکومت ہند کی جانب سے تمام ہندوستان میں بتاریخ 12 نومبر 2021 کو نیشنل اچیومنٹ سروے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ سروے پورے ہندوستان کی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے، ہر ریاست، ہر گاؤں، ہر ضلع میں اس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بچوں کے تعلیم معیار کو جانچا جائے کہ کون سی ریاست میں، کون سے ضلع میں بچے کا تعلیم معیار کیا ہے۔ یہ ایگزام جو 2017 میں ہوا تھا، اس مرتبہ 2021 میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں 3rd کلاس، 5th کلاس، 8th کلاس اور 10th کلاس کو مختلف میڈیمس، جیسے انگلش میڈیم، تیلگو میڈیم، اب دوسرے میڈیا میں بھی اس کا ایگزام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف بچوں، مرکزی حکومت دھان کے ذخیرے کو خرید کر کسانوں کو راحت پہنچانے کا ڈی سی سی بی چیئرمین پوچھ رام بھاسکر ریڈی نے کیا اظہار۔
متحدہ ضلع نظام آباد ڈی سی سی بی چیئرمین پوچھرام بھاسکر ریڈی کی زیر نگرانی میں بانسواڑہ حلقے پر دھان کی خریداری سے متعلق مرکزی حکومت کے رویے کے خلاف متحدہ مہا دھرنا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کسان مخالف زرعی قوانین نافذ کرنے کے علاوہ کسانوں کی جانب سے کاشت کردہ پیداوار کو خریدنے سے انکار کرنے پر کسانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کی حرکت سے گریز کر کے فوری مرکزی حکومت فوری طور پر دھان کے ذخیرے کو خریدتے ہوئے کسانوں کو راحت پہنچانے کا اظہار کیا ఎందుకంటే మన కేసీఆర్ గారు వారు స్వయాన రైతు, రైతుల కష్టాలు తెలుసు, రైతుల ఇబ్బందులు తెలుసు. కాబట్టి వారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా ఈరోజు ఉచిత కరెంటు తీసుకోండి. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలో 22 లక్షల పంపు సెట్లు ఉండేవి. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత ఈరోజు 30 లక్షల పంపు సెట్లు అయినాయి. మరి మన బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి యావత్ రైతాంగం మొత్తం ఈరోజు ఏదైతే మొన్న గత వారం రోజుల కింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన పార్టీ అధ్యక్షుడైనటువంటి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి రైతు వ్యతిరేక విధానాల వల్ల మనమందరం కూడా ఒక మహాధర్నా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పేసి పిలుపునతో ఈరోజు బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీలో మన నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం. నవంబర్ 19 కు జుజ్వీ చాంద్ గ్రహణ్ భారత్ మే దేఖా జా సకేగా మాహిరీన్ కా దావా. 19 नवंबर को जुजवी चांद ग्रहण नमूदार होगा. भारत से चांद तुलु होते ही जुजवी चांद ग्रहण खत्म होता हुआ नजर आएगा. ये जुजवी चांद ग्रहण अरुणाचल प्रदेश और आसाम के इंतहाई शुमाल मशरक़ी हिस्सों से बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए नजर आएगा. भारत के महकमे मौसमियात के ज़राए के मुताबिक ये चांद ग्रहण खते के जिन हिस्सों में नजर आएगा इनमें मगरबी अफ्रीका, मगरबी यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहर उकयानूस और बहर काहिर शामिल है. चांद ग्रहण का जुजवी मरहला भारतीय वक्त के मुताबिक 12:48 से शुरू होगा. ये जुजवी मरहला भारतीय वक्त के मुताबिक 4:17 पर खत्म हो जाएगा. अगला चांद ग्रहण भारत में 8 नवंबर 2022 को नजर आएगा. ये मुकम्मल चांद ग्रहण होगा. चांद ग्रहण पूरे चांद वाले दिन नजर आता है जब कुरे अर्ज सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और जब ये तीनों ही अजवाम फल की एक ही खतार में आ जाते हैं. एक पूरा चांद ग्रहण इस वक्त नमूदार होता है जब पूरा चांद जमीन की परछाई के जेरे तले आ जाता है और जुजवी चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद का सिर्फ एक हिस्सा जमीन की परछाई के जेरे तले आ जाते हैं. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मौजूद आरसी मुलाजमी ने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर को शानदार पैमाने पर तहनियत अमर मिलाई गई. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले टीचिंग स्टाफ ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर को शानदार पैमाने पर तहनियत अमन मिलाई. इस मौके पर तमाम आर्जी मुलाजमी ने वाइस चांसलर की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिले सताइश करार दिया. इस मौके पर रजिस्ट्रार यादागिरी ने खिताब करते हुए कहा कि आप तमाम की मदद से तेलंगाना यूनिवर्सिटी तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में दीगर ने शिरकत की. दिन दहाड़े चोरी की वारदातों में हुआ इजाफा, कुछ देर के लिए भी मकान को मुखफल करना हुआ मुश्किल. शहर के गौतम नगर इलाके में पेश आई चोरी की वारदात. शहर के गौतम नगर के बाईपास रोड पर वाकई मोहम्मद अमजद के घर पर दोपहर के औकात काल में सरखे की वारदात अंजाम दी गई. तफसीलात कुछ इस तरह से. मोहम्मद अमजद के अफराध खानदान कुछ जरूरी काम की वजह से बाहर जाने की सूरत में सारखों की जानिब से घर की निशानदेही करके चोरी की वारदात अंजाम देते हुए 4 तोले सोना, 80,000 नकद रकम का सरखा करने के मुताल मुस्तक अफराध खानदान ने केस दर्ज करते हुए सरखे की वारदात पर फिंगरप्रिंट्स हासिल करके सीसी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल करके सारख को फौरी तौर पर हिरासत में लेने का इंकशाफ किया. 12 गंटल को इकड़ नीचे कुरनापल्ली दरगा कनी ताला मेसकोनी इल्ली की मंचिगा गेट की डोर्ल की ताला मेसकोनी कुरनापल्ली दरगा केल्तुन्ना अनी एल्लिना एल्ली अक्कड दर्शनम चेसुकोनी मल्ला 2:30 नेनु तिरिगी वच्चे वरकु नाकु गेट इपि लोपड़ पोयिना तर्वात चूसे वरकु अद्दं पलिगिंदी. मरकजी बीजेपी हुकूमत टीआरएस की कारकर्दगी से खौफजदा. मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसान पर जुल्म बंद करे. टीआरएस सरकारी खास सुमेर अहमद का खिताब. ये परसों बोलकर कि आज धरना है खाली एक आवाज दिए पूरी कॉन्सेंसी अंबेडकर चौरस्ते पे दौड़ के आई. मैं सिर्फ दो ही बात करूंगा कि जीवन रेड्डी साहब
जो एक किसान है, किसान का दर्द जीवन रेड्डी साहब को मालूम, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मालूम, बच्चे है ना कच्चे है, उसको क्या खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, किसानों का दर्द उसे नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी साहब को इस स्टेज से हम कहना चाह रहे हैं कि आप पंजाब दिल्ली हरियाणा के किसान नहीं है, ये तेलंगाना के किसान है और केसीआर के किसान है, क्योंकि केसीआर जो जद्दोजहद लड़के तेलंगाना हासिल किया है, उसी तरह लड़के धान के रेट लेके आने की शक्ति का दूसरा नाम केसीआर है। तो आरमोर निजामाबाद जिले में जो किसानों के लिए मरने वाला मिटने वाला, उसी का नाम जीवन रेड्डी है। और एक बात ये बताता चलूं कि आरमोर बालकोंडा इधर से जो खास तौर पे ये किसानों की मट्टी, जो मोते की मट्टी उठाकर केसीआर ने कसम खाई थी कि किसानों के लिए मैं जहां आखिरी दम तक लड़ूंगा, उसी मकसद से आज हुकूमत में होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी अमित शाह लोग के जुल्म तेलंगाना के ऊपर इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आज के इस धरना प्रोग्राम में मैं तमाम जो है किसानों का, तमाम कार्यकर्ताओं का, लीडर्स का और तमाम हमारे जो है MLAs, हमारे मिनिस्टर साहब सबका जो है इस महाधरना में जो है मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। ये आज का मैं इस धरने का मकसद यही है कि जो है BJP और मरकज़ हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है जो दोहरी पॉलिसी है, दोगलापन है, और किसान के ताल्लुक से, रईतों के ताल्लुक से, मैं ये जो केसीआर साहब ने जो धरना बुलाए इसमें सबका वेलकम करता हूँ, क्योंकि धरने का मकसद यही है कि जो है BJP की जो किसान खिलाफ पॉलिसी, उनकी मुखालिफत पॉलिसी, किसान दुश्मन पॉलिसी जो है उसका जो है अवाम में लाने के लिए जो है आज का धरना मुनाक़द किया गया है, और ये धरना बहुत बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना चाहूँगा कि जो है KCR साहब एक किसान दोस्त है, KCR गवर्नमेंट एक किसान दोस्ती गवर्नमेंट है, और जो है KCR साहब जो है जिस तरीके से जो है किसान को जो है जो स्कीम दे रहे हैं, यकीन इस मुल्क में किसी भी रियासत में कोई भी स्टेट में जो है ऐसे स्कीम्स जो है किसान को नहीं दिए जा रहे हैं। रईतू बीमा है, रईतू बंधु है, और 24 घंटे जो है मुफ्त करंट की सप्लाई है किसानों के लिए, किसी भी रियासत में इस मुल्क के नहीं दी जा रही है। तो हम यही डिमांड करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, इस धरना प्रोग्राम से, कि जो आने वाले दिनों में हम जो BJP की जो दोहरी पॉलिसी है, ढोगलापन है, जो है जो सौतेला सलूक है और किसान के ताल्लुक से, हम उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। यकीनन हमारा दबाव है जब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे रईतों के जो पेरे हुए बीज, पेरे हुआ जो उनका जो है फसल है, अगर जब तक नहीं लेते हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। यकीनन हम अगर जो ज़रूरत पड़ी तो हम इसका धरना जो है दिल्ली में जाकर जो है अपने उनको घुटनों पर टेकने को मजबूर करेंगे। तो यही का इसका मकसद था, और यकीनन मैं तमाम जो है फिर भी जितने भी लोग आए, रेती विभाग में जितने भी लोग आए, मैं सबका जो है तहे दिल से इस धरना में इस्तकबाल करता हूं, और आपके चैनल से ज़रिए सबको जो है यकीनन हिम्मत दिलाता हूं कि KCR गवर्नमेंट हमेशा जो है किसान के साथ है और किसान के साथ रहेगी, और किसी भी नाइंसाफ़ी जो है TRS गवर्नमेंट, KCR गवर्नमेंट किसान के साथ होती हुई किसी भी नाइंसाफ़ी को जो है बर्दाश्त नहीं करती। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। और मैं हमारे MLA साहब हरदील अजीज़ जनाब बिगाला गणेश साहब गुप्ता साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और गवर्नर जो है जो हरदील अजीज़ गवर्नर है सबकी जो है उनको भी जो है मुबारकबाद देता हूँ इसकी इस बड़े धरने के लिए जो कामयाब बनाने के लिए। जय तेलंगाना, जय किसान, जय जवान, KCR जिंदाबाद। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ TRS की जानिब से मुनक़दा महाधरना कामयाब, हर मंडल में किसानों का मुस्बित रद्द अमल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन, रुकन राज्य के सुरेश रेड्डी व रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की क्यादत में निजामाबाद व वेलपुर में किया गया जोरदार एहतजाज मुनासिब। पंजाब में धान खरीदी तो तेलंगाना में क्यों नहीं, मरकजी हुकूमत अपना दोगला रुख खत्म करे, आरमोर में PUC कमेटी चेयरमैन, आरमोर MLA जीवन रेड्डी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की जानिब से किया गया वाइस चांसलर रविंदर का तहनीती तकरीब का इनेकार।
शहर निजामबाद में दिन दहाड़े चोरियों में इजाफा। शहर के इलाके गौतम नगर में हुई आज दोपहर चोरी, चोर सोना व रकम लेकर वे फरार। शान रिसालत में गुस्ताखी व त्रिपुरा फसादात के खिलाफ रजा एकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र बंद कामयाब व नांदेड़ में निकाली गई बड़े पैमाने पर रैली। बोधन में रुकने संभली शकील आमिर की क्यादत में मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जोरदार एहतजाज का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।